संजय आनंद है, मैं एज ए चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर काम कर रहा हूँ। उधमपुर के किसानों को मेरी तरफ से एक संदेश है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो उनको 6000 रुपया सालाना मिलता है, जिसमें 2-2000 की 3 किस्तें आती हैं, उसके लिए वो अपना EKYC जरूर करवाएं। EKYC में उनको अपना आधार कार्ड और आधार नंबर और मोबाइल नंबर उनको लिंक करवाना है। इसके साथ साथ ही सभी लाभार्थियों को ये कहा जाता है कि वो अपने आधार नंबर NPCI पोर्टल यानी कि बैंक में जाके वो आधार की अपडेशन करवाएं, सो दैट कि वो उनका जो किस्त है वो DBT के माध्यम से उन्हीं के बैंक अकाउंट में आ सके। तीसरा, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़मीन की नकल जो है वो पटवारियों के पास जाके उसको अपडेट करवाएं, क्योंकि किसान क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हर किसान को जिसका जमाबंदी की नकल होगी, जिसमें जमाबंदी में उसका नाम होगा, उसी को प्राइम मिनिस्टर की ये प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की जाएगी, बाकी लाभार्थियों को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी वो अपना EKYC करवाएं, अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, सो दैट की 12वीं किस्त उनके खाते में जैसे हिंदुस्तान के दूसरे किसानों को मिलेगी, उनके खाते में भी टाइम से उनके खाते में आ जाए। कोई समय सीमा निर्धारित की गई है इसके लिए, कितनी देर तक जो है किसानों को अपनी KYC जो है करवानी पड़ेगी? सभी किसान भाइयों को अभी इसी मंथ के माह के अंत में अपना रिकॉर्ड जो है अपडेट करवाना पड़ेगा। क्या इसको लेकर किसानों तक जो जानकारी है वो आपका फील्ड स्टाफ या किसी माध्यम से पहुंचाई जा रही है? पंचायत लेवल पे हमारा हर कृषि अधिकारी उनके घर घर जाके उनको ये संदेश दे रहा है, अपने CS सेंटर में भी उनको जो सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ भी संचार माध्यम और लाउड स्पीकर से मस्जिदों से भी और मंदिरों से भी उनको अपने हम संदेश जारी कर रहे हैं कि वो अपना समय तय सीमा के साथ अपना ये रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, सो दैट कि उनकी जो किस्त है वो लेट ना हो सके। क्या अगर जो KYC नहीं करवा पाता समय पर, या जिस तरह से ज़मीन की नकल आपने कही है वो नहीं दे पाता, तो क्या ये जो किसान निधि जो योजना है उसके तहत जो राशि उन्हें मिलती है वो नहीं मिल पाएगी इस बार? ये बिल्कुल सरकार की तरफ से संदेश है कि जो लोग अपनी ज़मीन की अपडेशन नहीं करवाएंगे और जो EKYC नहीं करवाएंगे उनको 12वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पंचायत पटवारियों को भी पंचायत लेवल पर बैठने के लिए बोला है, स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं, कृषि अधिकारी भी जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, कृषि अधिकारी और पटवारी रेवेन्यू के अधिकारी साथ बैठ के उनका अपडेशन उसी टाइम कर रहे हैं जो किसान भाई अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाता है, रियल टाइम बेसिस पे पोर्टल पे वो अपडेट हो जाता है और उन्हीं लोगों को ये किस्त जारी होगी, जो रह जाएंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा।